देखना हिसाब से पकड़ना यार। किधर गई? मारना मत उसको। अरे मार, अरे मारना मत। वो अरे यार, अबे यार, अरे कल्ला मत कर। पकड़ ली मैं सब। यहाँ की इधर लेके चल रहे। उसको दूर रखो, दूर रखो। नमस्कार दोस्तों, हम बैतूल जिले के तहसील मुलताई के अंतर्गत आने वाले ग्राम दतोरा, है ना, दतोरा थाना साईखेड़ा, ग्राम दतोरा थाना साईखेड़ा, जो कि यहाँ घर में धामन थी इधर अंदर में, वो धामन परिवार ने निकलते देखी, जो कि इसमें लकड़ियों यहाँ पर लकड़ियों में जा चुकी थी। उन्होंने हमें तुरंत कॉल किया, हम तुरंत आए और इसका रेस्क्यू किया। और दोस्तों इसने बहुत ही, जिसको हम खजीती बोलते, वो करवाई है और इसका रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये हमें, इसने बहुत थकाया है और ये बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसकी पहचान रखिए। हाँ। ये जिसको भी पहचान अगर है तो धामन अगर घर में भी है तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसके काटने से कुछ नहीं होता ना, तो इसके पूछ मारने से कुछ होता है। कई लोग कहते हैं काटा होता है इसके अंदर में, तो ना इसमें कोई काटा होता है, जैसे गड़ जाता ऐसा हो जाता, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आइए दोस्तों, इसका रेस्क्यू कर चुके हैं हम। और मकान मालिक कौन? अपना ही नाम बताओ। ये विश्वकर्मा। ये क्या नाम? पंकज। पंकज विश्वकर्मा है, हमारी परिवार के हैं। और दोस्तों इनने हमें सूचना दी, तो हम इसे कोई भी ना मारे और दोस्तों बोलो कि आलू वाले इसे हम अभी फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट विभाग को सौंप देंगे। और बहुत ही सुंदर सांप होता है दोस्तों, और ये किसी को कोई नुकसानी नहीं पहुंचाना चाहता। अभी हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, ये काटने की कोशिश नहीं करे, इसका स्वभाव काटना नहीं है। भैया यार तुम्हारे काम चलते रहेगी ऐसी का, है ना? तो इसका स्वभाव जो है दोस्तों काटना नहीं होता, मगर इसको ज़बरदस्ती कोई पकड़ेगा या इसको पैर देगा या इससे छेड़खानी करेगा तभी काटेगा। और सभी सांप ऐसे काटते हैं, मगर इसके चापने काटने से कुछ होता नहीं है, ये विषहीन होता है पूर्ण रूप से। और कई लोग कहते हैं कि गाय का दूध पीती है धामन। हाँ, पीती है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ विश्व में जितने भी सांप हैं ये कभी दूध नहीं पीते, इसके अंदर हड्डियाँ नहीं होती है। और जब हड्डियाँ जिसके अंदर नहीं होती वो दूध नहीं पचा सकता, क्योंकि शायद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे है, शायद इनने भी मेरे ख्याल से तो नहीं देखा होगा दूध पीते, नहीं देखा ना, सिर्फ सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। तो ये बहुत सी अफवाहें हैं सांपों के बारे में कि दूध पीता है, ये होता है। दूध के लिए थोड़ी चौड़ी जीभ लगती है, आप भी समझ सकते हो, लिखे पढ़े जो भी है, क्योंकि हम लोग भी गाय भैंस का दूध नहीं चूस सकते, बहुत ताकत लगेगी। तो ये बेचारा है तो सुई जैसी जीभ, उसकी भी दो फाल बैठ जाए तो क्या दूध। तो दोस्तों इसका रेस्क्यू हमने कर चुके हैं और इसे अभी जंगल की ओर इसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि जीने का अधिकार इसे भी है। कुछ लोग इसे मारने के लिए भी खड़े हो गए थे डंडे लेके, बाकी हम लोग सभी को बताया कि मारना नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों हम उनको भी, उन्हें भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है इन सांपों के बारे में, सांप सांप होता है, उन्हें सिर्फ ये मालूम है कि सांप जहरीला, इसलिए मारने की कोशिश करते। आज हमने यहाँ रेस्क्यू किया इस गाँव में, शायद ये विष, जो विषधारी सांप होते हैं जैसे नाग हो गया, कॉमन करेथ हो गया, रसल स्वाइपर, इनको भी ये नहीं मारेंगे,
और सभी से निवेदन है कि अगर सांप निकलता है तो हमें जरूर कॉल कीजिए और सांपों को संपर्क करें, सबको नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सांप का रेस्क्यू हो चुका है, जय हिंद। इसे अब रख ये आज की वीडियो डालेंगे कैसे, ये सब डल जाएगी। ये तो जाएगा।